नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चुपटानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों फाइनली यूटीआई एएमसी का आईपीओ अब लॉन्च हो रहा है। 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जहां एक तरफ आपको बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मेगा आईपीओ आ रहा है, आपको जरूर इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्या ये डेफिनेटली इतना बड़ा हिस्सा है जितनी इसकी पब्लिसिटी हो रही है, या कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन सारे तथ्यों से आपको रूबरू कराऊंगा ताकि आप एक बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें, आप ये समझ सकें कि क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे दूर ही रहें तो ही बेहतर। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस टाइमली ला सकूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों यूटीआई एएमसी इज वन ऑफ द टॉप 10 एएमसी कंपनीज इन इंडिया, बहुत पुरानी है, काफी ज्यादा पुराने में से अगर मैं म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करूं तो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट। एज ऑन जून 20 इस कंपनी के अंडर में एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट है मोर देन 1,33,000 करोड़ के। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि यही फिगर मार्च 20 में 1.51 लाख करोड़ से भी ज्यादा हुआ करती थी। तो मोटा मोटा 17,000 करोड़ का डिक्लाइन देखा गया एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 3 महीनों के दरमियान ही, और उस चीज के पीछे क्या रीजंस थे इस पूरी वीडियो के दौरान आपको एक क्लियरली पता लग जाएगा। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट 13% का कस्टमर बेस यूटीआई एएमसी संभालता है। एज ऑन जून 20 यूटीआई 150 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एक्टिवली मैनेज कर रहा है। बात करूं अगर इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स से की दोस्तों, तो इसमें SBI, PNB, LIC और BOB जैसे 4 बड़े इंडियन प्लेयर्स का नाम जुड़ा रहा है। इस एएमसी कंपनी में इन चारों ही प्लेयर्स का ऑलमोस्ट 18.5% हिस्सा जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक यूएस बेस्ड टी रो कंपनी का 26% था। स्टेक डिल्यूशन की जो अभी बात चल रही है उसमें यह है कि अब जो इन्होंने आईपीओ निकाला है उसमें ऑफर फॉर सेल ऑलमोस्ट 26% का कर रहे हैं, जिसके तहत SBI, LIC और BOB ये तीनों ही 6.98% का अपना स्टेक बेच रही है। साथ ही साथ PNB और अगर टी रो कंपनी की बात करूं तो वो दोनों कंपनी 2.52% अपना सेल आउट कर रही है। टोटल डायल्यूशन ऑलमोस्ट 25.98% का है। तो अब तक जो प्रमोटर का स्टेक ऑलमोस्ट 100% हुआ करता था वो अब घटकर 74% के अराउंड ही रह जाएगा वंस दिस आईपीओ कम्स इनटू द मार्केट। बात करें अगर दोस्तों आईपीओ डिटेल्स की, तो 3.9 करोड़ शेयर्स इसमें सोल्ड आउट किए जाएंगे ऑफर फॉर सेल के तहत। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज रहेगा ऑलमोस्ट 2160 करोड़ रुपए का। प्राइस रेंज का जो बैंड इन्होंने फिक्स किया है 552 से लेकर 554 के बीच में किया है। रिटेलर्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी यह है कि रिटेल पोर्शन ऑलमोस्ट 35% फिक्स किया है, तो जिसके तहत 3.9 करोड़ शेयर्स में से 1.36 करोड़ शेयर्स रिटेल शेयर होल्डर्स के हिस्से में जाएंगे। मिनिमम लॉट 1 रहेगा जिसमें आपको 27 शेयर मिलेंगे, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए जा सकते हैं जिसमें आपको 351 शेयर्स मिलेंगे। तो दोस्तों बिजनेस और आईपीओ की अगर बात खत्म करें तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो वो है फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ। जानते हैं इस कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्म किया पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो अगर मैं इस कंपनी के मार्च 18 के रिजल्ट्स को कंपेयर करूं मार्च 20 से, तो टोटल एसेट्स 235 करोड़ का इजाफा देखा गया, विच इज अ गुड पार्ट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो 2018 के मुकाबले 2020 में जो इनके रेवेन्यू में आया वो बहुत ही मेजर डिक्लाइन देखा गया। 271 करोड़ का वहां पे डिक्लाइन देखा गया है। 1,162 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ करता था मार्च 18 में, जो कि मार्च 20 में घटकर 890 करोड़ रुपए ही रह गया। वहीं दूसरी ओर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात भी करें दोस्तों, तो 405 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ करता था मार्च 18 में, जो कि मार्च 20 में घटकर 276 ही रह गया। ऑलमोस्ट 128 करोड़ का डिक्लाइन देखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो। साथ ही साथ अगर बात करें पिछले 3 महीनों की कि इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया दोस्तों, तो टोटल रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में इस कंपनी ने लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था उसका ऑलमोस्ट 30% अचीव कर लिया है। बट क्योंकि उस साल इसका ओवरऑल रेवेन्यू रहा ही कम था इन कंपैरिजन टू द लास्ट प्रीवियस 2 ईयर्स, तो अगर एवरेज आउट भी करके तो उन्होंने 25% ऑफ द टोटल फिगर अचीव किया, विच इज जस्ट लाइक एन एवरेज मान। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो 3 महीने में अगर लास्ट ईयर के मुकाबले देखा जाए, तो लास्ट ईयर का जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ करता था 276 करोड़ का, उसका ऑलमोस्ट 36% इन्होंने अचीव कर लिया है इन द पास्ट 3 मंथ्स। दोस्तों यूटीआई एएमसी के अलावा 2 ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड प्लेयर्स हैं। वन इज HDFC AMC, द सेकंड वन बीइंग निपॉन लाइफ इंडिया AMC। बिफोर गोइंग एनी फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन 3 ऑफ देम। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस की बात करूं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा वो इस टाइम HDFC AMC का है, मोर देन 2000 रुपीज पे वो ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी जाए तो वो भी HDFC AMC लिमिटेड की सबसे ज्यादा है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों से बेटर यूटीआई AMC की है। बात करें अगर EPS की दोस्तों, तो 59.80 पर शेयर पे HDFC AMC का EPS है, वहीं दूसरी ओर UTI AMC का 21.53 रहेगा। अगर मैं टोटल एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट की बात करूं एज ऑन मार्च 20, तो HDFC AMC 3.7 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रही थी मार्च 20 पे। बात करें अगर टोटल रेवेन्यू की, तो इंटरव्यू है वो HDFC AMC का रहा मार्च 20 में 2000 करोड़ से भी ज्यादा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, तो प्रॉफिट्स भी सबसे ज्यादा HDFC AMC के रहे 1,262 करोड़ के।
बात करूं अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो की दोस्तों, तो वो मोटा मोटा HDFC AMC और निपॉन लाइफ इंडिया AMC की ऑलमोस्ट बराबर है। 35 के अराउंड ये PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इनको कंपेयर करूं UTI AMC से, तो वो थोड़ा सा अंडरवैल्यूड है इन कंपैरिजन टू देम। वो इस टाइम 25.73 के अराउंड वुड बी ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 554। तो इन दोनों के कंपैरिजन में UTI AMC इज अंडरवैल्यूड एज ऑफ नाउ, और हो सकता है कि इसका फायदा उसको आने वाले फ्यूचर में मिले भी। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल IPO से जुड़ी हुई कुछ एक डिटेल्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें जिनका मुझे आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ व्यूअर, कि आप लोग डिसाइड करके ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें। नंबर वन, इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है दोस्तों, वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग में जिस दिन ये इशू के बारे में लॉन्च हुआ था, उस दिन जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था मार्केट में, वो उस टाइम ऑलमोस्ट 150 टू 170 था। घटते घटाते वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 70 टू 80 रुपीज ही रह गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस चीज के पीछे की वजह क्या है दोस्तों, तो आपको मैं रूबरू कराता हूं उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। रीजन नंबर वन, इस कंपनी के अगेंस्ट में ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन चल रही है जो कि पेंडिंग है ABB कोर्ट में। सेकंड रीजन फॉर द ग्रे मार्केट क्रैश वुड बी द प्रोबेबल एक्सटेंडेड लॉकडाउन। जी हाँ, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज की तरह, क्या पता इंडिया में भी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों जिसके चलते गुड पॉसिबिलिटी बाद में ये बन के आ सकती है कि जब पहले भी जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा मार्केट में मनी आउटफ्लो देखा गया था, लोग जल्दी जल्दी मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे। वो चीज अगर वापस से आती है तो उस केस में यहां पे फिर से आपको एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट। क्यों मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब मार्च 20 में इस कंपनी के अंडर में जो एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट थे वो 1.51 लाख करोड़ रुपए हुआ करते थे, जबकि जून 20 में वही फिगर 1,33,000 करोड़ ही रह गई थी। 17,000 करोड़ रुपए का वहां पे डिक्लाइन देखा गया था। तो हो सकता है कि वापस वही चीज रिपीट हो। साथ ही साथ दोस्तों, हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके बाद सबसे पहले जो एक फ्लॉप शो देखा गया था वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बैंकरप्सी के एपिसोड से देखा गया था, जहां पे कई सारी स्कीम से पैसा निकालना होल्ड कर दिया गया था, ब्लॉक्ड हो गए थे बुरी तरह से। तो वो वाली चीज के चलते भी बहुत सारे लोगों का फेथ धीरे धीरे AMC कंपनी से कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट इनस्टेबिलिटी। रीजन नंबर फोर वुड बी एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपए का फटका पड़ा था जब येस बैंक के एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स में उन्होंने इन्वेस्ट करा था। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2007 से पहले एक्सिस बैंक UTI बैंक के नाम से ही जाना जाता था। इनफैक्ट ये चॉइस दोस्तों मैं आपके ऊपर लास्ट में छोड़ता हूं कि सोचिए आप खुद कि जो स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट में ऑलमोस्ट 750 टू 760 की रेंज में चल रहा था, उसका जब इशू प्राइस फिक्स किया गया तो महज 554 किया गया, आखिर क्यों? तो दोस्तों ये थे वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिनके बारे में मेरे को आपसे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। अब बात आती है कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, बिकॉज सर आपने वीडियो तो सारी बना दी, लेकिन किस तरीके से मैं आप लोगों को एडवाइस दूं कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा दोस्तों। तो दैट वुड बी कि पहले दिन जब ये लॉन्च हो उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सेकंड डे भी जब ये लॉन्च इसका चल रहा हो तब भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऑल यू नीड टू इंश्योर इज कि आप लोग तीसरे दिन तक का आराम से वेट कीजिए। 1 अक्टूबर को जो मार्केट में चल रहा है कि जी कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, कितनी पोजीशन चल रही है, कितने लेवल तक इसकी मार्केट में रुचि देखी जा रही है, ये सारी चीजों को देखते हुए फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपको इसमें 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट करना है कि नहीं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जस्ट वेट वॉच एंड देन इन्वेस्ट कि मार्केट में उस टाइम पे सेंटिमेंट्स किस तरीके के चल रहे हैं, क्या वे वापस से नीचे की तरफ ना चलने स्टार्ट हो जाए। इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं तुरंत से तुरंत आपके सवालों का जवाब लेके हाजिर रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे साथ 1-to-1 वहां कनेक्ट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।